वका फूड्स एक खाद्य ब्रांड है जो शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 एपिसोड 29 में दिखाई दिया। वका फूड्स के आयोजक साईराज गोरिशधोन, जो गोवा भारत के रहने वाले हैं, उन्होंने शार्क टैंक में अपने संगठन के 5% हिस्से के बदले में 75 लाख का अनुरोध किया है। वका फूड्स एक बिना ग्लूटेन वाला शाकाहारी कटल ब्रांड है। यह ब्रांड क्लाइंट को साउंड और वेजी लवर ऑर्गेनिक उत्पादन देता है। उनके पास स्प्रेड जैक, टेरियाकी जैक और बारबेक्यू जैक जैसी वस्तुओं का विस्तृत वर्गीकरण है। उनका सारा भोजन स्वस्थ और भरण पोषण से भरा होता है। यह आमतौर पर खाने में उत्कृष्ट और स्वादिष्ट लगता है। कटल आधारित वेजी लवर फूड ब्रांड वका फूड्स भारत के शुरुआती स्टार्टअप में बदल गया है, जिसे शार्क टैंक इंडिया पर तीनों फीमेल शार्क में से हर एक ने बरकरार रखा है। शार्क टैंक इंडिया की पहली रिलीज में ब्रांड को शुगर कॉस्मेटिक्स, मम अर्थ और एम क्योर फार्मास्यूटिकल से 21% मूल्य के लिए 75 लाख रुपये की सब्सिडी मिली। सैराज धोड द्वारा स्थापित वका फूड्स एक उचित ब्रांड है जो भारतीय बाजार में पौधे आधारित पकाने के लिए तैयार और खाने के लिए तैयार वस्तुओं को ले जाने का लक्ष्य रखता है। कटल के मांस का वकाओ का वर्तमान योगदान नैतिक रूप से प्राप्त किया गया है और खेतों से हाथ से उठाया गया है और सफाई से गढ़ा गया है। कटल अपने लचीलेपन, मांस जैसी सतह और पोषक मूल्य के लिए आइटम का एक विशिष्ट निर्णय रहा है। सभी वकाओ वस्तुओं में एक वर्ष की यथार्थवादी उपयोगिता की समय सीमा के साथ कोई योजक नहीं है और किसी प्रशीतन की आवश्यकता नहीं है।